So we have seen that IPsec has issues when it comes to NAT. हमने ये कंक्लूड कर लिया कि अगर आप ऑथेंटिकेशन हेडर को यूज कर रहे हैं एंड इफ यू आर पासिंग AH ट्रैफिक थ्रू NAT, तो ये तो मुमकिन नहीं है. इट इज नॉट पॉसिबल. इधर जो आपको ट्रैफिक मिलेगी उसका जो इम्पैक्ट है वो हैश को ब्रेक कर देगा. दिस ब्रेक्स हैश वैल्यू. जब आप ESP को NAT से गुजारते हैं तो हमने ये देख लिया कि ESP works well with NAT, but अगर आप ESP को PAT में से गुजारेंगे तो वी हैव एन इशू, बिकॉज PAT को पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन करनी है और ESP के हेडर में तो कोई पोर्ट्स होती नहीं है. सो इन ऑर्डर टू डिटेक्ट दिस सिचुएशन, आइक जो प्रोटोकॉल है वो NAT को डिटेक्ट करता है और बेस्ड अपॉन आइक्स NAT डिटेक्शन ESP को इंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है कि आप इजाफी UDP हेडर को इस्तेमाल करें. और एज वी अंडरस्टैंड इन द आर्किटेक्चर डिस्कशन के किसी भी सिस्को राउटर में या सिस्को फायरवॉल में जब आप IPsec VPN बनाएंगे तो आपकी दो तरह की कम्युनिकेशन होती है. वन इज योर कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड वन इज योर एक्चुअल डेटा कम्युनिकेशन. जो कंट्रोल कम्युनिकेशन है इसका काम ये है कि ये दोनों पार्टीज के दरमियान एग्रीमेंट की फिजा कायम करे, जिसको हम सिक्योरिटी एसोसिएशन भी कहते हैं. सो जब हम कहते हैं कि NAT ट्रेवर्सल एनेबल हो गया तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे जो पैकेट्स हैं वो UDP की पोर्ट 4500 को इस्तेमाल करेंगे. अब सवाल ये पैदा होता है कि वो UDP की पोर्ट 4500 जो इस्तेमाल करेंगे वो सिर्फ इन पैकेट्स की हद तक है जो डेटा प्लेन में से गुजर रहे हैं, यानी ESP के पैकेट्स, या इंटरनेट की एक्सचेंज के जो कंट्रोल पैकेट्स हैं वो भी इस पोर्ट पर शिफ्ट हो जाएंगे. तो जवाब ये है कि आपकी दोनों कम्युनिकेशंस UDP पोर्ट 4500 में इनकैप्सुलेट हो जाएंगी, यानी होल ऑफ योर कम्युनिकेशन विल यूज UDP पोर्ट 4500. और जो IPsec के NAT के साथ इश्यूज हैं वो हम देख चुके हैं कि IPsec का जो AH का हेडर है वो इंटेग्रिटी चेक वैल्यू इंट्रोड्यूस करता है और म्यूटेबल फील्ड्स को तो वो छोड़ देता है, बट इम्यूटेबल को वो कंसिडर करता है लाइक सोर्स IP एंड डेस्टिनेशन एड्रेस. और जब आप NAT में से गुजरते हैं तो वो इन्हीं फील्ड्स को चेंज कर देता है और इंटेग्रिटी चेक फेल हो जाता है. दिस इशू डज नॉट अफेक्ट ESP, और बट ESP के अंदर ये इशू आ जाता है कि UDP और TCP पोर्ट्स नहीं होती. तो सम NAT से मुराद है PAT वगैरह, वो डिस्कार्ड कर देते हैं नॉन UDP TCP ट्रैफिक को. सो इधर फिर AH और ESP दोनों को प्रॉब्लम है. सो इस लिहाज से हमारे पास जो सोल्यूशन था वो ये था कि हम NAT ट्रेवर्सल एनेबल कर लें, उसको डिटेक्ट करें और अपने पैकेट्स को एक इजाफी जहां IP हेडर दे रहे हैं वहां पर एक UDP हेडर भी दे दें, जिसको हम NAT ट्रेवर्सल हेडर बोलते हैं, एंड इट विल एड टू योर ओवरऑल बाइट्स डेफिनेटली. अच्छा जी, अब क्योंकि हमने IPsec के हवाले से बात कर ली और हमने IPsec को भी एक फ्रेमवर्क माना था, IPsec बजाते खुद कोई प्रोटोकॉल नहीं है, IPsec एक प्रिंसिपल है, एक कानून है जिसके तहत मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स का कॉकटेल वर्क करता है और उनमें से जो दो प्रोटोकॉल्स हैं AH और ESP उनके बारे में हमने अपनी डिस्कशन को मुकम्मल किया. अब AH और ESP को सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए बिफोर दे स्टार्ट
द प्रोसेस, उनको पहले से इन रोड्स एस्टेब्लिश्ड चाहिए हैं, पहले से पार्टीज के दरमियान कुछ चीजों पर एग्रीमेंट चाहिए है. लाइक अगर आप एएच इस्तेमाल करते हैं तो आपको दोनों पार्टीज के दरमियान एग्रीमेंट चाहिए कि एसएचए यूज करना है या एमडी यूज करना है, ये एग्रीमेंट तो चाहिए. और अगर आपने एसएचए और एमडी को कीड इस्तेमाल करना है यानी एचमैक के तनाजुर में इस्तेमाल करना है तो फिर की का तबादला हुआ होना चाहिए दोनों पार्टीज के दरमियान, ये प्री रेक्विजिट है एएच का. अगर आप ईएसपी इस्तेमाल करते हैं तो उसका प्री रेक्विजिट भी यही है कि एसएचए यूज करूं या एमडी का कोई फॉर्मेट यूज करूं. और अगर कीड हैशिंग करनी है जो कि कीड ही करनी है तो की का तबादला हुआ होना चाहिए, और इसने तो हैशिंग के साथ साथ इनक्रिप्शन भी करनी है. तो ईएसपी चाहता है कि डेस पे करूं इनक्रिप्शन, थ्री डेस पे करूं इनक्रिप्शन या एईएस पे करूं, इस पर दोनों पार्टीज का मुत्तफिक होना जरूरी है. और इनक्रिप्शन पर मुत्तफिक एल्गोरिदम पर होने के बाद जाहिर है इनक्रिप्शन को भी की जरूरत है और दोनों तरफ की सेम होना चाहिए तो की एक्सचेंज हो, ये ईएसपी का प्री रेक्विजिट है. तो इसका मतलब ये हुआ कि एएच और ईएसपी को चलने से पहले किसी और प्रोटोकॉल ने राह को हमवार करना है, उसने दोनों पार्टीज के दरमियान कुछ गुफ्तो शनीद करके उनके दरमियान कुछ एग्रीमेंट्स कराने हैं. सो देयर इज समथिंग मिसिंग सो फार इन आईपी सेक फ्रेमवर्क. ये एएच और ईएसपी समझ में आ गया कि आईपी पैकेट के साथ क्या करेंगे, लेकिन वो आईपी पैकेट के साथ जो करेंगे उस का एक प्री रेक्विजिट है जो अभी तक मिसिंग पीस ऑफ पजल है. वो प्री रेक्विजिट मुकम्मल करना है जी आईक ने, आई के ई ने. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आईक, इंटरनेट की एक्सचेंज, बिकॉज ये पहले है और उसके बाद ये या ये इस्तेमाल होंगे. बट पढ़ने के अतबार से हमने पहले इनको पढ़ा है एएच और ईएसपी को, और अब हम एंड पे आईक को डिस्कस करने लगे हैं. बट फंक्शनली पहले आईक ने एग्जीक्यूट होना है, उसके बाद एएच और ईएसपी ने एग्जीक्यूट होना है. तो आइए आईक के बारे में डिस्कशन करते हैं, जिसने ईएसपी और एएच को काबिले इस्तेमाल बनाना है. इसका बहुत क्रिटिकल और कलीदी रोल है. IKE stands for Internet Key Exchange. Now again, IKE is basically a procedure or a framework. यानी IPsec बजाते खुद एक framework था, उस framework के अंदर एक और framework है. So अभी तक हम अगर ये कहें कि IPsec is equals to two protocols एंड वन फ्रेमवर्क, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि IPsec का जो खुद से फ्रेमवर्क है वो अपने अंदर दो प्रोटोकॉल्स को यूज करता है और एक फ्रेमवर्क को यूज करता है. प्रोटोकॉल्स कौन से हैं? AH और ESP, जिनका बकायदा प्रोटोकॉल नंबर है 51 और 50. वेयर एज एक अनदर फ्रेमवर्क है, यानी ये प्रोटोकॉल नहीं है, ये एक और प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस का एक ढांचा है. ये बजाते खुद मुख्तलिफ चीजों को जोड़कर अपने काम को बरूए कार लाएगा. लिहाजा आईक बजाते खुद इज नो प्रोटोकॉल, इट इज जस्ट अ फ्रेमवर्क. सो आईक फ्रेमवर्क की ड्यूटीज क्या हैं, यानी हमें ये फ्रेमवर्क क्या करके देगा, वो ड्यूटीज यहाँ पर हम जरा ब्रेनस्टॉर्म कर लेते हैं. सो वंस वी अंडरस्टैंड दोज ड्यूटीज वी विल कम टू नो द फंक्शन ऑफ आईक लेटर ऑन. सो आईक इनेबल्स टू पार्टीज टू ऑथेंटिकेट ईच अदर. व्हाट डज ऑथेंटिकेशन मीन? यानी राउटर वन है और राउटर टू है, दरमियान में इनके इंटरनेट है, और राउटर वन अगर राउटर टू के साथ वीपीएन को इनिशिएट करता है तो ये इनिशिएटर है और ये शख्स रिस्पॉन्डर है, बिकॉज इसने ख्वाहिश जाहिर की है कि मैं मेरे साथ वीपीएन एस्टेब्लिश करो. सो ये जब अपने अपना ये ट्रिगर करेगा वीपीएन का कॉरेस्पॉन्डेंस, तो आर टू ये चाहेगा
कि R1 ये चाहेगा कि R2 इसको बताए कि हु इज R2, और ये अपनी लोकल डेटाबेस के अंदर चेक करे कि क्या R2 इज अलाउड टू मेक VPN विद मी। अगर R2 का इंद्राज R1 की DB में मौजूद है तो R2 को ट्रस्ट वर्दी गिना जाएगा और इसके साथ मजीद आगे बढ़कर बातचीत की जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड ऑथेंटिकेट ईच अदर। अब इस ऑथेंटिकेशन को करने के कई तरीके हो सकते हैं। वो ऑथेंटिकेशन किसी शेयर्ड सीक्रेट से हो सकती है, या वो ऑथेंटिकेशन किसी डिजिटल सर्टिफिकेट से हो सकती है। इट रियली डिपेंड्स। लिहाजा इस फ्रेमवर्क को लिहाज रखना है कि इसने ऑथेंटिकेशन करानी है पीयर्स की, और ऑथेंटिकेशन कराने के लिए इसको सपोर्ट करना है प्री शेयर्ड की को, सर्टिफिकेट्स को, और अगर कोई और तरीका भी एग्जिस्ट करता है तो उसको। ये इस ढांचे में ये फीचर होना चाहिए। सो ऑथेंटिकेट ईच अदर एंड एग्री ऑन कॉमन सेट ऑफ सिक्योरिटी पैरामीटर्स। यानी ऑथेंटिकेट कराए और एग्रीमेंट कराए ऑन कॉमन सेट ऑफ सिक्योरिटी पैरामीटर्स फॉर क्रिप्टो इंजन टू वर्क बाई डायरेक्शनली, विच इज कॉल्ड सिक्योरिटी एसोसिएशन। यानी दो पार्टीज के दरमियान ये इस चीज पर एग्रीमेंट कराए कि इधर एनक्रिप्शन AES पर होगी, तो इस तरफ भी इस चीज पर इकरार किया जाए कि एनक्रिप्शन AES पर होगी। इधर से हैशिंग SHA-256 के जरिए होगी, तो इधर भी इकरार कराया जाए कि हैशिंग जो है वो SHA-256 से होगी, मैच किए जाएं पैरामीटर्स। अदरवाइज अगर ये इनक्रिप्ट 3DES से करता है और ये डिक्रिप्ट AES से करता है, तो फिर तो क्रिप्टो इंजन बाय डायरेक्शनली नहीं चल सकेगा। सो एक तो दोनों पार्टीज को ऑथेंटिकेट कराना, फिर दूसरा उनके दरम्यान सिक्योरिटी के पैरामीटर्स पर एग्रीमेंट कराना, एल्गोरिदमिक एग्रीमेंट, और फिर उसकी कीज का तबादला, की एक्सचेंज जो उन एल्गोरिदम्स ने यूज करनी है। ये सारा काम आइक की जिम्मेदारी है या आइक के प्रोसीजर का हिस्सा होना चाहिए। और इन अदर वर्ड्स, अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो मैं ये कहूंगा कि आइक का काम है कि वो दो पार्टीज के दरमियान सिक्योरिटी पर एक एक्सेप्टेंस का माहौल क्रिएट कराए, एक सिक्योरिटी एसोसिएशन एफिलिएशन क्रिएट कराए। सो ना सिर्फ ये वन टाइम ये काम करा दे, बल्कि अगर ड्यूरिंग दी कम्युनिकेशन कोई क्रिप्टो पैरामीटर में चेंज करना है आपने, तो ये उस चेंज को भी मैनेज करे। सो सिक्योरिटी एसोसिएशन की क्रिएशन और सिक्योरिटी एसोसिएशन की मैनेजमेंट या मेंटेनेंस, ये भी इस आइक के फैमिली या फ्रेमवर्क या प्रोसीजर का की जिम्मेदारी है। सो इट ऑफर्स द चेंज टू चेंज क्रिप्टो पैरामीटर्स ड्यूरिंग आईपी सेशंस, ये इसका काम है, इसका मकसद है। थ्रू द यूज ऑफ इंटरनेट की एक्सचेंज, द नीड फॉर मैनुअल स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑल आईपी सेक सिक्योरिटी पैरामीटर्स इज एलिमिनेटेड। यानी हम ये चाहते हैं कि हमारी की का तबादला ऑटोमेटिक हो, और वो ऑटोमेटिक तबादले के लिए जाहिर है कोई एल्गोरिदम यूज होगा। वो एल्गोरिदम हम पढ़ चुके हैं, वो डिफी हेलमैन है, लेकिन उस डिफी हेलमैन एल्गोरिदम को यूज करके की एक्सचेंज करना, उसके लिए दोनों अतराफ चिट चैट करना, इसका जो प्रोसीजर है या रूल है वो भी इसका इसने डिफाइन करना है, इसकी जिम्मेदारी है। क्योंकि R1 में डिफी हेलमैन रन होगा और R2 में डिफी हेलमैन रन होगा। अब इसके डिफी हेलमैन ने इससे कोऑर्डिनेशन करनी है, इसके डिफी हेलमैन ने इससे कोऑर्डिनेशन करनी है, तो ये जो इंफॉर्मेशन पासिंग है ये किस कवायद और जवाबित के साथ होगी, ये भी करेगा तो डिफी हेलमैन उस की के तबादले को एग्जीक्यूट, बट डिफी हेलमैन को दूसरी साइड के एल्गोरिदम से कॉरेस्पॉन्ड करना होता है, उस कॉरेस्पॉन्डेंस को इन्वोक करना, उसको एग्जीक्यूट करना, ये भी इंटरनेट की एक्सचेंज फ्रेमवर्क की जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी है। इंटरनेट की एक्सचेंज अलाउज सर्टिफिकेट अथॉरिटी
एज अ रिजल्ट इट ऑफर्स एन एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी। सो दो पार्टीज आपस में एक दूसरे के साथ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी यूज करना चाहें तो वो सर्टिफिकेट में रख के अपनी पब्लिक की एक दूसरे को देंगे, ना कि मैनुअली पब्लिक की दे दें। ऑल्दो ये वो भी सपोर्ट करता है, लेकिन बेहतर है कि सर्टिफिकेट बेस्ड पब्लिक कीज यूज की जाएं जो कि डिजिटली साइन होती है यूजिंग अ सर्टिफिकेट अथॉरिटी, तो ये उसको सपोर्ट करे। अ स्पेसिफिक लाइफ टाइम कैन बी सेट फॉर IPsec सिक्योरिटी एसोसिएशन व्हेन द इंटरनेट की एक्सचेंजेस यूज्ड। यानी मैं ये चाहता हूं कि एक सर्टेन टाइम गुजर जाने के बाद या सर्टेन डेटा के बाइट्स एक्सचेंज हो जाने के बाद मेरे सिक्योरिटी पैरामीटर्स रीसेट कर दिए जाएं, मेरे सिक्योरिटी पैरामीटर्स अपडेट कर दिए जाएं। उनमें उन सिक्योरिटी पैरामीटर्स में मेन इशारा की तरफ है, तो ये काम भी आईक की जिम्मेदारी है कि मैं बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर मैं बता दूं कि जी एक दिन के बाद, दो दिन के बाद, दस दिन के बाद या 1 GB डेटा गुजर जाने के बाद मेरी कीज को रिफ्रेश कर दिया करें। तो ये जब हम पैरामीटर डिफाइन कर देंगे तो उस पैरामीटर पर अमल दरामद करना, उसके उसकी क्लॉक को पे नजर रखना, ये सारा आईक की जिम्मेदारी है। उस टाइम के गुजर जाने के बाद, उतने बाइट्स गुजर जाने के बाद आईक की जिम्मेदारी है कि उसने कीज को अपडेट या अपग्रेड करना है। इंटरनेट की एक्सचेंज परमिट्स डायनामिक ऑथेंटिकेशन ऑफ पीयर्स। डायनामिक ऑथेंटिकेशन ऑफ पीयर्स का मतलब है यूजर नेम और पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन, क्योंकि आप रिमोट एक्सेस VPN भी बना सकते हैं और यूजर नेम और पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन के अंदर आपका जो IP है वो भी डायनामिक हो सकता है, कभी कोई IP कभी कोई IP होगा। सो ये उस चीज को भी सपोर्ट करे। तो ये मेन मकासद हैं इंटरनेट की एक्सचेंज के फ्रेमवर्क के या फिनोमेना के, जिसने IPsec को बहुत बड़ी सपोर्ट प्रोवाइड करनी है।